बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यों की समीक्षा तथा उसमें सुधार लाने हेतु विचार मंथन के लिए परामर्श प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके समागम का पहला चरण बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर स्तर पर 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन रविवार को हुआ। ये अपनी तरह की पहली परामर्श प्रक्रिया है जो शाखाओं को अपने कार्य निष्पादन की समीक्षा, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों, भविष्य की रणनीति और आगे बढ़ने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा देना और बैंकिंग को आम जन के साथ केंद्रित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, छोटे उद्योगपतियों, उद्यमियों, युवाओं, छात्रों और महिलाओं जैसे विभिन्न वर्गों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना भी है। इस कार्यशाला के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के प्रति विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा 9 विषयों पर तैयार किए गए पेपर्स के आधार पर चर्चा की गई। साथ ही साथ भविष्य की रणनीति व राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप रोड मैप तैयार करने व इनके क्रियान्वयन हेतु भी तैयारी की गई ताकि भारत की भविष्य विकास यात्रा में सहभागिता की जा सके। तो पहले हमने किया कि सुबह वो शाम को हमारे यहाँ आएंगे 3:30 बजे। हमने बोला जितने भी, और उनसे ये भी बोला गया, उनको क्रेडिट किया गया, जो भी अकाउंट खोले एटलीस्ट उसमें 100 रुपीज कम से कम फंडेड रखे, कम से कम जीरो बैलेंस में रखे, फंडेड रखेंगे। अगर 1000 रखते हैं 500, तो कस्टमर को ये पता रहेगा कि मेरा उसको ये याद है कि मेरा कभी जरूरत उसको पड़ी तो अकाउंट है मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो वो अकाउंट कहीं अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है सर, स्टार्टिंग में बीसी को ये लगता था कि हम ब्रांच के इंटीरियर पार्ट नहीं है, वो बहुत कंसर्न रहते थे, उनसे जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, मीटिंग्स बहुत सारी होती थी लेवल्स पे, तो ये कंसर्न आते थे कि ब्रांच हेड या ऑफिसर जो है हम लोगों का व्यवहार अच्छा था। तो हम लोगों ने ये चीज़ को सुधारा ब्रांच हेड के, काफ़ी कुछ उनसे वैरायटी, उनका भी इशूज समझे, उनको भी समझी क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो उसको धीरे धीरे हमने सॉल्व किया। तो उसके बाद देखा कि अकाउंट्स भी हमको ज़्यादा मिलने लगे और कंप्लेन छोटी छोटी जो होते थे या कभी बड़े लेवल पे, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, जीवन ज्योति योजना हो गया, APY हो गया, तो उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्लस पॉइंट हम लोग को मिला उनके कंसर्न सुनने के बाद। हाँ, उससे हम लोगों ने मीटिंग्स में ये बोली कि आपको हम लोग बिजनेस में रहना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड उनके लेवल पर भी हो रहे हैं, जैसे कुछ इशू किए थे कि कुछ ब्रांचों में, जैसे मैं सलेमपुर में था तो वहाँ एक ब्रांच बैंक में हुआ था, तो उनको BCS को उन्होंने ATM दे दिया था। उन्होंने क्या किया था, अकाउंट खोलते समय मोबाइल नंबर अपना रिलेटिव पर डाल दिया और ग्रीन पिन का अब चल ही रहा है, तो उन्होंने ATM ब्रांच वाले को ले लिया और कुछ डिजीज क्लेम के अमाउंट आए थे, वृद्धा पेंशन उतना अमाउंट से आया था, और कई अकाउंट्स में लगभग 15 अकाउंट उस ब्रांच के थे और उन्होंने अपने लेवल पे ही पैसा निकाल दिया। तो ये चीज़ें थी, हम लोगों को बताया कि हम ब्रांच लेवल पे आपको जिनको भी ATM देना है ब्रांच पे ही आके उनको लेकर आइए कस्टमर, तो हम आपको पर्सनली लेवल पर ATM दे सकते। इनकम को डबल किया जाए, उसी संदर्भ में ये परामर्श और विचार मंथन के लिए हम लोग ये 2 दिन का यहाँ सिविल और ये कंडक्ट किया, ऑर्गेनाइज किए, इसको आयोजित किए, और उसमें हमने बहुत सारी विषयों पे चर्चा की, जिसमें ब्रांचों का, शाखाओं का परफॉर्मेंस रिव्यू भी था, उसको भी हमने देखा गोरखपुर रीजन के अंदर। तो गोरखपुर क्षेत्र के अंदर हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट कवर होती है, 10 जिला कवर होती है, जिसके अंदर 64 शाखाएँ हैं। तो 64 शाखाओं के ब्रांच मतलब शाखा प्रबंधक यहाँ आए हुए थे, और यहाँ पे जो परामर्श करने का जो आपका जो मॉडल था वो ये था कि बॉटम अप हम ब्रांच से शुरू करेंगे, ब्रांच लेवल पे परामर्श होगा, उसके बाद क्षेत्रीय लेवल पे होगा परामर्श, फिर राज्य स्तर पे होगा, फिर अखिल भारतीय स्तर पे परामर्श होगा। तो उसकी कड़ी में ये आयोजन की गई थी इस मंथन शिविर की। इसमें जो मुख्य बिंदु थे जिसपे विचार विमर्श हुआ वो ये था कि हमें कासा कैसे बढ़ाना है, क्या क्या परेशानी आ रही है, कासा को कैसे बढ़ाएंगे, इस पर हमारी चर्चा हुई। ऋण जो MSME कृषि जगत और MSME और रिटेल, इस तीनों सेक्टर के लिए हम ऋण कैसे हम बढ़ाएं, हमारे जो डिजिटल बैंकिंग है, जो ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स बोलते हैं प्रोडक्ट, उसको हम कैसे पुश करें कि गांव गांव तक कैशलेस ट्रांजेक्शन को हम इंकरेज करें, NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको कैसे कम किया जाए, क्या क्या सुझाव लिया, उस सारे विषयों पे हमने सुझाव
अपने साथ संबंधों को चलिए। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन और कृषि क्षेत्र में जो ऋण है उस पर विशेष बल दिया गया, ये भी चर्चा का एक ये था विषय था। और सी एस आर एक्टिविटी भी एक लास्ट स्टेटमेंट में हमने सी एस आर एक्टिविटी की चर्चा की। इन सब का आधार एक था कि हम इस पे चर्चा में सारे सुझाव को लें, उसका आकलन करें और उसको हम सजेशन को सुझाव को आगे प्रेषित करें, जिसके बाद हम लोग इसको जमीनी स्तर पे इसको लागू करें।